गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बच्चों कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों, आज का गृह विज्ञान में 8th क्लास के गृह विज्ञान में फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 जिसमें टॉपिक लिया है मैंने कुपोषण। बच्चों, टॉपिक शुरुआत करने से पहले मैं एक जानकारी दे दूं, विश्व पोलियो दिवस जो है जो कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य ये है कि लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक बनाना, सजग बनाना, जिससे कि लोग इससे बीमारी से निपट सकें, यानी कि ये बीमारी हमारे देश से निकल सके। बच्चों, आज का टॉपिक टॉपिक पे आते हैं बच्चों, कुपोषण। तो कुपोषण क्या है, कुपोषण किसे कहते हैं, कुपोषण का तात्पर्य क्या है? कुपोषण बच्चों शरीर में पोषक तत्वों की कमी का हो जाना कुपोषण कहलाता है, या फिर शरीर में पोषक तत्वों की अधिकता हो जाना, खाद्य पदार्थों की अधिकता हो जाना, तो ऐसी स्थिति में भी कुपोषण नामक रोग हो जाता है। मैंने यहाँ पे कुछ कारण लिए हैं कुपोषण के कारण। तो सबसे पहले हमारा बिंदु है जागरूकता की कमी। जागरूकता की कमी बच्चों, जैसे कि इसका कुपोषण से संबंधित जानकारी का अभाव होना कि हमें किस आयु में, किस अवस्था में, किस बच्चे को क्या आहार देना चाहिए, कैसा देना चाहिए, कितना पोषक तत्व तो देना चाहिए उसको, है ना। तो इस परिस्थिति में भी हमारा जो बच्चा है कुपोषण का शिकार हो जाता है। अगला बिंदु है हमारा बच्चों अनुपयुक्त भोजन, यानी कि उचित मात्रा में उसको पर्याप्त भोजन का न मिलना, ऐसी स्थिति में बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। उसको जितने भोजन की आवश्यकता होती है या जिस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वो पोषक तत्व उसको नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में बच्चा क्या है कुपोषण का शिकार हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारा गरीबी। बच्चों, गरीबी के कारण भी, यानी कि आर्थिक कंडीशन के खराब होने के कारण भी बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है, क्योंकि मतलब हर चीज का अभाव होता है जिसमें, जैसे खाने पीने का अभाव और मतलब पोषक तत्व तो उसको उचित तो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते, तो ऐसी कंडीशन में बच्चा गरीबी के कारण यानी कुपोषण का शिकार हो जाता है। अगला बिंदु है हमारा अतिपोषण, यानी कि पोषक तत्वों की अधिकता, पोषक तत्वों की अधिकता यानी खाद्य पदार्थ। मैंने बताया अभी इसका पोषण किसे कहते हैं कि उसमें या तो ज्यादा कमी हो जाए और या फिर ज्यादा अधिक मात्रा पहुंच जाए शरीर के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, अतिपोषण यानी पौष्टिक तत्व जो कि शरीर में अधिक मात्रा में पहुंच जाते हैं, तो क्या होता है कि मतलब बच्चा जो है मोटापे का शिकार हो जाता है, और मोटापे के शिकार होने के कारण उसमें ढेर सारी बीमारियों का भी प्रवेश हो जाता है। तो इस कारण भी बच्चा मतलब मोटापे के कारण भी एक कुपोषण का कारण बन जाता है, कुपोषण का शिकार बन जाता है। अगला बिंदु है हमारा अस्वच्छ वातावरण। अस्वच्छ वातावरण में बच्चों क्या होता है कि जैसे कि हमारे घर आंगन में गंदगी है, हमारे आस पड़ोस गंदगी है, तो इस गंदगी के कारण हमारे भोज्य पदार्थ भी विषैले हो जाते हैं, विषाणु मतलब फैल जाते हैं, और हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके साथ भी हमारा जो मतलब विषैला भोजन हमारा जो अंदर जाता है, तो इस कारण भी हमारा मतलब बच्चा जो क्या कुपोषण का शिकार हो जाता है। अगला बिंदु आता है हमारा बच्चों जनसंख्या वृद्धि। तो परिवार में कई बार मतलब कई परिवारों में सदस्यों की संख्या ज्यादा हो जाती है, तो इस कंडीशन में तो हर बच्चे का उचित देखभाल हर बच्चे की नहीं हो पाती, तो ऐसी कंडीशन में भी बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। अगला बिंदु है हमारा भोज्य पदार्थों में मिलावट। तो भोज्य पदार्थों में बच्चों जैसे कि आजकल खाद्य पदार्थ में कोई भी चीज ले लीजिए, दूध ले लीजिए, पनीर ले लीजिए, दालें ले लीजिए, या फिर मिर्च मसाले ही ले लीजिए, हर चीज में मिलावट, हर चीज में, तो वो जो पौष्टिकता है वो हमारे मतलब बच्चों को नहीं मिल पाता है, तो इस कंडीशन में भी बच्चा क्या होता है कुपोषण का शिकार हो जाता है। आगे हम लेते हैं बच्चों कुपोषण के कारण होने वाले रोग। कुपोषण के
कारण होने वाले रोग। तो सबसे पहले हमारा कुपोषण के कारण होने वाला रोग में सबसे पहले आता है क्वाशियोर्कर। क्वाशियोर्कर रोग बच्चों जो कि प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इसमें बच्चे का शारीरिक जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है और शरीर पर सूजन आ जाती है इसके कमी के कारण, और आंखें कमजोर पड़ जाना और शरीर पर रूखापन आ जाना, काले चकत्ते पड़ जाना और बालों में बाल रूखे हो जाना और चमकहीन हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसके उपचार में हमें मतलब बच्चे को प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए, जो कि इसमें प्रोटीन युक्त आहार में जैसे कि मूंग की दाल है, मटर है, चना है और अरहर की दाल है, दूध है, सोयाबीन है, मूंगफली है आदि, ये सारे क्या हैं प्रोटीन युक्त आहार है। और इन सब मतलब जब हम बच्चों को उचित मात्रा में इनको हम देंगे तो ये क्वाशियोर्कर नामक रोग इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। अगला रोग है बच्चों इसी के कारण कुपोषण के कारण होने वाला रोग जो कि हमारा सूखा रोग यानी कि रिकेट्स। सूखा रोग जैसे कि हमारे मतलब जिसे जो कि कैल्शियम और विटामिन डी के कारण होता है, जिसकी जिसे अस्थि दुर्बलता भी कहते हैं यानी कि रिकेट्स कहते हैं। और जो कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, ये हमारे हड्डियों के निर्माण में और दांतों के निर्माण में, दांतों को मजबूत करने में और हड्डियों को मजबूत करने में कारगर होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस, क्योंकि इसकी पूर्ति के लिए हम क्या करेंगे कि रोजाना प्रतिदिन बच्चे को 1.5 ग्राम कैल्शियम और 1.5 ग्राम फॉस्फोरस देना आवश्यक होता है। जैसे कि ये दूध है, दही है, पनीर है, पत्तेदार सब्जियां हैं, इन सब चीज़ों को हम बच्चों को देकर इस रोग से हम छुटकारा पा सकते हैं उचित मात्रा में देकर। अगला रोग है जो कि इसे कुपोषण के कारण होता है हमारा रक्तअल्पता। रक्तअल्पता में बच्चों जैसे कि भार का कम हो जाना बच्चे के अंदर, और पीलापन, झलकना, आलस आ जाना, सुस्ती आना, और मतलब तो ऐसी कंडीशन में समझ लेना चाहिए जैसे पीलापन, सर आंखों में पीलापन आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों को समझ लीजिए कि उसमें खून की कमी है यानी कि रक्तअल्पता है इसको। तो इस कंडीशन में बच्चों को क्या है हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए उसको जैसे कि दूध, पालक पनीर देना चाहिए, पालक देना चाहिए और लौह तत्वों से युक्त भोज्य पदार्थ उसको देने चाहिए, जिससे कि हम इस रोग से हम छुटकारा पा सकें। तो बच्चों ये थे आज हमारा जो टॉपिक हमने लिया था कुपोषण, जिसमें हम मैंने आज आपको बताया कुपोषण का अर्थ और कुपोषण के कारण और इससे होने वाले रोग। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।